हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपको कहा गया है प्रत्येक में से ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया हुआ है कि रेशनलाइज कैसे करना है, किसी का परिमेयकरण कैसे करना है, हर का परिमेयकरण कैसे करना है, कई एक दो ट्रिक भी बताई हमने पिछले वीडियो में, तो आप उन वीडियो को देखिएगा, वो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो हैं आपके लिए और आपको उसमें समझ भी आएगा। तो चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें से आपको क्या कहा है, 2 अंडर रूट में 3 अपॉन 2 माइनस रूट में 3 इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, a प्लस b रूट में 3। ठीक है, आपको इसके पहले रेशनलाइज करना तो आ ही गया होगा, यानी कि परिमेयकरण तो आता ही होगा। तो जैसे ही आप इसका परिमेयकरण कर दीजिए, पहले क्या लिखा हुआ है, 2 अंडर रूट में 3 अपॉन 2 माइनस रूट में 3 इंटू 2 अंडर रूट में 3। देखिए यहाँ माइनस है तो क्या करते हैं, प्लस का मल्टीप्लाई कराते हैं ऊपर से नीचे, यानी कि उसका अपोजिट से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, इसी को परिमेयकरण कहते हैं। और जैसे ही आप आगे करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी रूट में थ्री आपका दिया ही है। ठीक है, ए और बी की वैल्यू निकालना है। जैसे आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या हो रहा है, ए प्लस बी और ये भी ए प्लस बी है। तो हमने बताया है आपको क्या होता है फार्मूला, ए प्लस बी कहो चाहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहो, सेम चीज़ लिखी है। तो क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है, होता ही नहीं होता, यही फार्मूला इसमें यूज करना है। और नीचे क्या है, ए माइनस बी और ये क्या है, ए प्लस बी, ये फार्मूला तो आपको रट गया होगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा, ए ये है और ये बी है, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस में रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a क्या है हमारा, 2 है और रूट में 3 है बी। ठीक है, अपान में क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस में रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा आपका, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, रूट से हमारा स्क्वायर हट जाता है, 3 प्लस 2 दूनी 4 रूट में 3। अपान में क्या हो जाएगा, इसका क्या निकल के आएगा, 4 माइनस 3। ठीक है, इक्वल टू में आपको क्या दिया हुआ है, a प्लस b रूट में 3। ठीक है, बस इससे आपको वैल्यू कंपेयर कराना है अभी। तो जैसे इसको आप देखें, 4 3 7 क्या हो जाएगा, 7 प्लस 4 रूट में 3 अपान में क्या हो जाएगा, 1, 1 का कोई मतलब नहीं है, 4 से 3 जाएगा 1 आ गया, a प्लस b रूट में 3। आपने देखा, जैसे ही आप इसका कंपेयर करेंगे, देखिए हमारा रूट थ्री से ये बी हमारा मिल रहा है, 4 रूट 3 से, और ए से क्या मिल रहा है, 7, यानी कि इसी से कंपेयर करना है। तो आपकी ए की वैल्यू, जैसे ही आप कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 7, और बी रूट में 3 इक्वल टू में क्या है, 4 रूट में 3, रूट 3 से हमारा रूट 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी, 4। ठीक है, समझ में आया ये वीडियो आपको, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, अगर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन भी मिलेगी और एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी भी मिलती रहेगी। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, 7 - 2 / √7 + 2 = a√7 + b। सेम वही क्वेश्चन है, इसको आप पहले अपने मन से ट्राई करिएगा। चलिए करते हैं, जैसे आपने इसको देखा इस तरह लिखा हुआ है, तो पहले आपको क्या करना है, परिमेयकरण कर देना, यानी कि रेशनलाइज कर दीजिए इसको। तो √7 - 2 / √7 + 2, इस बार इसमें प्लस है तो क्या आप करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे, −2 / √7 - 2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू में a√7 + b। स्टेप बाय स्टेप करिएगा, तो देखिए इस बार क्या फॉर्मूला निकल के आ रहा है, a माइनस बी, तो a माइनस बी का स्क्वायर
का फार्मूला निकल के आएगा इस बार। ये क्या है a माइनस बी, और ये भी क्या है a माइनस बी। आप डायरेक्ट भी इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसका इसमें कराएंगे, फिर इसका इसमें कराएंगे, ठीक है, इसका इसमें कराएंगे, फिर इसका इसका कराएंगे, थोड़ा दिक्कत करेगा। तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है ये ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में टू ए बी। ये होता है आपका फार्मूला, और नीचे तो वही फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, सेम यही फार्मूला हर बार लगना है। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर क्या है रूट में सेवन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, टू है ना ये बी, प्लस टू ए बी क्या हो जाएगा टू रूट में ए क्या है हमारा रूट में सेवन, बी क्या है टू ये, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा रूट में सेवन का स्क्वायर माइनस में टू का स्क्वायर हो जाएगा। ये बी है ए, ये ए है प्लस बी है, और ये ए है ये माइनस बी है, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा ए रूट सेवन प्लस बी, ठीक। ये क्या हो जाएगा रूट में सेवन का स्क्वायर क्या हो जाएगा सेवन, ठीक है, प्लस टू का स्क्वायर क्या होता है फोर, प्लस ये क्या हो जाएगा दो दूनी चार, चार रूट में सेवन होगा ना यही। चलिए आगे करते हैं, सात के रूट में अंडर रूट में सात का स्क्वायर क्या हो जाएगा सात, माइनस ये क्या हो जाएगा दो दूनी चार। देखिए अभी हाँ ये चीज़ यहाँ देखिए गलती हो गई, यहाँ माइनस है ये भी माइनस है, तो ये भी हमारा क्या होगा माइनस का ही होगा, ठीक है ना, तो हमारी ये भी वैल्यू माइनस की होगी। तो ये क्या हो जाएगा ये क्या है ए रूट में सेवन प्लस बी, नीचे क्या हो जाएगा सात चार ग्यारह हो जाएगा, ग्यारह माइनस में फोर रूट में सेवन, ठीक है, अपान में क्या हो जाएगा तीन, ठीक। अब ये क्या है एलसीएम में दिया हुआ है तीन, तो आप इसको किस तरह लिख सकते हैं अलग अलग कर लीजिए, एलेवन अपान में थ्री माइनस फोर रूट में सेवन अपान में थ्री, ठीक। अब जैसे ही आप इसका इसमें कंपेयर कराएंगे ए रूट में सेवन प्लस बी, ठीक, देखिए रूट से रूट वाले का कंपेयर होगा, और ये अलग है हमारा बी, ये भी अलग है, तो इसका इससे कंपेयर कराएंगे तो क्या आएगा बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी एलेवन अपान में थ्री, ठीक है, और कॉमा लगाइए, और ये माइनस है और ये प्लस की वैल्यू दिया है, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर माइनस फोर बाई थ्री रूट में सेवन इक्वल टू में क्या है ए रूट में सेवन, ठीक है, तो रूट से रूट हमारा ये ख़त्म, ये माइनस की वैल्यू है इस बार, है ना, तो क्या हो जाए ए की वैल्यू क्या निकल गया कि माइनस फोर अपान में थ्री, ठीक है, समझ में आएगा नहीं आपको ये, तो आपकी ए की वैल्यू क्या है माइनस फोर अपान में थ्री, यही आपका क्या है फाइनल आंसर, इट्स ओके। तो चलते हैं करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है थ्री अपान में रूट में थ्री माइनस रूट में टू इक्वल टू में ए रूट में थ्री माइनस बी रूट में थ्री। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि रूट से रूट वाले का ही कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो जैसे आपने इसको क्या किया रेशनलाइज किया, पहले सबसे पहले आपको क्या करना है रेशनलाइज करना है, यानी कि परिमेयकरण करना है, तो रूट में थ्री माइनस रूट में टू इंटू, इस बार देखिए माइनस की वैल्यू है तो क्या करेंगे प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस रूट में टू अपान में रूट में थ्री प्लस रूट में टू इक्वल टू में क्या दिया है, चलिए इधर भी लिखे दे रहे हैं पहले मल्टीप्लाई करा कर, थ्री रूट में थ्री ये हो जाएगा हमारा, होगा कि नहीं होगा, और प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कराइए थ्री रूट में टू, पहले आपने इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दिया फिर इसका गुणा इसमें करा दिया, ठीक है, बस कभी गुणा कभी मल्टीप्लाई बोलना पड़ रहा है, इसलिए कि कई बच्चे इसको देखेंगे ना, हिंदी मीडियम वाले भी देखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी देखेंगे, तो ये सब के लिए है, ठीक है। अभी ये सबको समझ में भी आना चाहिए, ये नीचे क्या दिया हुआ है रूट में थ्री माइनस रूट में टू ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारा ए ये है बी ये है, क्या हो जाएगा रूट में थ्री का स्क्वायर माइनस रूट में टू का स्क्वायर इक्वल टू में आपके क्या दिया हुआ है ए रूट
थ्री माइनस बी रूट में टू, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, क्या हो जाएगा, जैसे आपने इसको लिखा थ्री रूट में थ्री प्लस थ्री रूट में टू अपॉन में क्या हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर क्या होता है, थ्री होता है, माइनस रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, थ्री से वन टू माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, थ्री रूट में थ्री प्लस थ्री रूट में टू अपान में क्या होगा, वन, वन का कोई मतलब नहीं है। कंपेयर करा दीजिए, ए रूट में थ्री माइनस बी रूट में टू, इससे आपको क्या करना है, कंपेयर कराना है। तो देखिए रूट थ्री से रूट थ्री हमारा कौन मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो क्या लिखेंगे, ये और ये, तो क्या हो जाएगा, ए रूट में थ्री इक्वल टू में क्या हो जाएगा, थ्री रूट में थ्री, रूट थ्री से रूट थ्री क्या हो जाएगा हमारा, ख़त्म। तो ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी, ए इक्वल टू में थ्री निकल के आएगी, है ना। अब बी की वैल्यू इसी तरह निकाल लीजिए, माइनस इस बार दिया है तो क्या हो जाएगा, माइनस बी रूट में टू इक्वल टू में थ्री रूट में टू, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, रूट टू से रूट टू ख़त्म, माइनस बी इक्वल टू में थ्री है, माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा और ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी, माइनस थ्री। ठीक है, समझ में आएगा नहीं आपको, चलिए आ गया होगा समझ में, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर आपसे क्या कह रहा है, फाइव रूट फाइव प्लस थ्री रूट टू अपॉन फाइव माइनस थ्री रूट टू, सेम वही चीज़ जैसे पहले क्वेश्चन कर रहा था उसी तरह है ये भी, इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी रूट में टू। सबसे पहले आपको रेशनलाइज ही कराना है, हर बार हर क्वेश्चन में आपको यही कहते हैं। तो फाइव प्लस थ्री रूट टू अपॉन फाइव माइनस थ्री रूट टू इंटू फाइव प्लस थ्री रूट टू अपॉन फाइव प्लस थ्री रूट टू इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी रूट टू। ठीक है, जैसे ही आपने देखा क्या है, बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये भी इस बार भी निकल के आएगा। देखिए ए प्लस बी है, ये भी ए प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी। आप जितनी बार फार्मूला को लिखेंगे उतनी बार आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ये चीज़ याद रख लीजिए। और ये क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, अधिकतर क्वेश्चन में यही फार्मूला यूज हुआ है। चलिए आगे करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये ए हमारा ये है और बी ए है, तो क्या कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, फाइव का स्क्वायर प्लस थ्री रूट में टू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू ए बी, टू ए हमारा फाइव है इंटू में बी का है थ्री रूट टू है। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये अपॉन में हो जाएगा ए का स्क्वायर यानी कि फाइव का स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फाइव का स्क्वायर, चलिए इसको पहले लिख देते हैं, ए प्लस बी रूट में टू, क्योंकि हमको इससे ही कंपेयर कराना है ना, इसी से हमको ए और बी की वैल्यू निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, फाइव का स्क्वायर क्या होता है, ट्वेंटी फाइव यानी कि पाँच का स्क्वायर पच्चीस प्लस थ्री रूट में टू, तीन सौ नौ दो नहीं अठारह होगा, होगा कि नहीं होगा, देखिए जैसे आपने लिखा इसका भी स्क्वायर होगा, तो यानी थ्री इंटू में थ्री इंटू में रूट टू का इंटू में रूट टू, ये क्या हो जाएगा, तीन त्रुको नौ गुड़े ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू, अंडर रूट टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, नौ दुनी अठारह, तीन त्रुक नौ दुनाई अठारह, हमने पहले बताया था इसको दो बार गुड़ा करी, इसको एक बार करी जो रूट में है, तीन त्रुक नौ दुनाई अठारह स्क्वायर करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, तीन त्रुक नौ दुनाई अठारह प्लस इसका इसका मल्टीप्लाई हो, किसका किसका होगा मल्टीप्लाई, इसका इसका होगा, तो पाँच दो नाइन दस तेई तीस हो जाएगा, रूट्स का तो होगा नहीं मल्टीप्लाई, तो
थर्टी रूट टू अपॉन में क्या हो जाएगा, अभी आपने इसका स्क्वायर निकाला है पाँच का, पच्चीस माइनस लगा दीजिए, इसका भी स्क्वायर आपने निकाला तो क्या आया है एटीन, एटीन लिख दीजिए, इक्वल टू में क्या हो जाएगा पच्चीस और अठारह प्लस कर लीजिए तो आठ पाँच तेरह और दो दो चार प्लस थर्टी रूट में टू अपॉन अठारह से पच्चीस माइनस करने कितना आ जाएगा, पच्चीस से अठारह माइनस किया आपका आ जाएगा आठ सात पंद्रह यानी कि सात आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसको आपने जैसे ही सेपरेट किया अलग अलग, पहले लिख लीजिए ए प्लस बी रूट में टू, क्योंकि इससे आपको कंपेयर कराना है, तो ये क्या हो जाएगा आप अलग अलग देखिए एलसीएम है ये, अगर इसके भी नीचे सेवन कर देंगे इसके भी नीचे सेवन कर देंगे तो एलसीएम तो वही रहेगा ना, तो क्या हो जाएगा फोर्टी थ्री अपॉन में सेवन प्लस थर्टी रूट टू अपॉन में सेवन, क्योंकि ये फोर्टी थ्री सेवन से कट भी नहीं रहा कि हम अलग कर दें, काट दें सिंपल कर दें, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी रूट में टू हो जाएगा। जैसे ही आप इसका कंपेयर कराएंगे तो क्या हो जाएगा ए के साथ हमारा तो ये और रूट से रूट हमारा इससे मैच कर रहा है, तो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू में आप लिखेंगे फोर्टी थ्री अपान में सेवन और बी इक्वल टू में क्या हो जाएगा बी रूट टू इक्वल टू में हो जाएगा थर्टी अपान में सेवन रूट टू, रूट टू से रूट टू कट जाएगा और ये बी इक्वल टू में क्या आ जाएगा थर्टी अपान में सेवन, ठीक है ये आपकी ए और बी की वैल्यू निकल के आएगी। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, इसी का फाइव पार्ट करते हैं। फाइव पार्ट आपसे क्या कह रहा है, वी फोर रूट में फाइव प्लस थ्री रूट में टू अपॉन थ्री रूट में फाइव माइनस टू रूट में टू। देखिए इसमें तो संख्या सब अलग अलग मिल रही है, थोड़ा लॉन्ग जाने वाला ही है इसलिए थोड़ा आराम से करिएगा। प्लस ए प्लस बी रूट में टेन, ठीक है। चलिए करते हैं, सबसे पहले रेशनलाइज इसका करते हैं, तो क्या हो जाएगा फोर रूट में फाइव अपान में थ्री रूट में फाइव प्लस थ्री रूट में टू अपॉन टू रूट में टू, ये है। इसका रेशनलाइज करने के लिए आपको क्या करना है, माइनस है इस बात तो प्लस से इनटू करा दीजिए इसका, तो क्या हो जाएगा थ्री रूट में फाइव डिनोमिनेटर का ही इनटू कराते हैं, ऊपर वाले का नहीं कराते हैं न्यूमिनेटर का, ठीक है हर का ही करते हैं रेशनलाइज। प्लस टू रूट में टू अपॉन थ्री रूट में फाइव प्लस टू रूट में टू, ठीक है। इस बार देखिए हमारा a प्लस बी तो नहीं मैच कर रहा, ना ये हमारा a मैच कर रहा है ना ये हमारा मैच कर रहा है, इस बार आपको सावधानी से इसमें क्या कराना है मल्टीप्लाई एक एक से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है, क्योंकि इस बार हमारा फार्मूला इसमें काम नहीं करेगा, नीचे तो करेगा a माइनस बी ए प्लस बी पर इधर नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी रूट में टेन हो जाएगा, ठीक है। आपने जैसे इसका पहले इसमें मल्टीप्लाई कराना है, चलिए अलग पहले लिख दे रहे हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा लिख देते हैं, अच्छा फोर थ्री रूट में फाइव प्लस ये क्या होगा आपका फोर रूट में फाइव ब्रैकेट इससे कराना है ना आपको मल्टीप्लाई थ्री फाइव रूट में प्लस टू रूट में टू, प्लस लगा दीजिए इस बार माइनस का कोई काम नहीं ऊपर, प्लस थ्री रूट में टू क्या हो जाएगा थ्री रूट में फाइव प्लस टू रूट में टू, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हो जाएगा थ्री रूट में फाइव हमारा ए है ये है ना और ये बी है माइनस टू रूट में टू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में यही चीज़ लिख देना है आपको, ये क्या हो जाएगा इसका इसका मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा चार तीन बारह, बारह होगा कि नहीं होगा चार तीन बारह और रूट से रूट का मल्टीप्लाई होता है तो रूट फाइव का मल्टीप्लाई रूट फाइव का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा, जब भी रूट ए इंटू में रूट ए होता क्या होता है ए होता है, ठीक है। तो चार तीन बारह रूट में ओ चार तीन बारह इंटू में फाइव हो जाएगा, ठीक। प्लस इसका आपने इसमें मल्टीप्लाई कराया तो क्या हो जाएगा चार दुनाई आठ और रूट से रूट का मल्टीप्लाई होता है रूट टेन, पाँच दुनाई दस,
ठीक है, प्लस अब इसका आ जाइए इसमें 3√9 होगा कि नहीं होगा, तो 3√9 अंडर रूट से अंडर रूट को मल्टीप्लाई, 5 × 9 = 10, फिर प्लस लगा दीजिए इसका, इसमें मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, 3 × 9 = 6, और √2 का √2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इक्वल टू में क्या है आपके, चलिए अभी लिखते हैं इक्वल टू में क्या है, नीचे क्या है आपके, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3√9 = 45। अभी आपको हमने बताया था अलग करके, चलिए फिर से बता दे रहे हैं, 3√5 का स्क्वायर क्या होगा, 3√9 = 45, दो बार इसको करेंगे, 2 × 3 × 3 × √5 √5, तो क्या हो जाएगा, 3√9 हो जाएगा, और √5 √5 क्या हो जाएगा, 5, क्या हो जाएगा, 9 × 5 = 45 आएगा ना, ये हमारा इसका हो जाएगा। और 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 × 2 × √2 × √2, ठीक, 2 × 2 = 4, ये तो हो जाएगा 4 हमारा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इसमें क्या दिक्कत है, रूट है, तो रूट से √2 क्या है, यहाँ आ जाएगा 2 √2 का √2 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 × 4 = 9 = 8, ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 45 ऊपर है, तो पहले 45 − 8, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आपको, ये आराम से समझ के करिएगा, थोड़ा जल्दी हो रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, और ना समझ में आए फिर भी कमेंट करके बताइएगा कि सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया है, प्लीज़ दोबारा बता दीजिए, तो हम दोबारा वीडियो बनाकर आपको बताएंगे ये चीज़, ठीक है, पर आपको समझ में आना चाहिए, हमारा मकसद क्या है कि आपको समझ में आए, जो हम करा रहे हैं वो आपको आना चाहिए, ठीक है, ये क्या मतलब है पढ़ाने का, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, स्कूल में समझ में नहीं आ रहा, तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी समझ में नहीं है, तो क्या मतलब है, ठीक है, तो आपको समझ में ज़रूर आना चाहिए। a + b√10 हमारा हो जाएगा ना, इक्वल टू में ये चीज़ लिखी हुई है, तो चलिए आगे करते हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, 12 × 5 = 60, ये हमारा कटा हुआ है, 12 × 5 = 60, तो 60 + 8√10 है, और ये 9√10 है, तो दोनों प्लस होंगे कि नहीं होंगे, रूट से मतलब रूट से रूट मैच हो रहा है ना, तो प्लस कर दीजिए, 9 × 8 = 17, रूट में कितना हो जाएगा, 10 + 6 × 9 = 12, अपान में क्या हो जाएगा, 45 से आप 8 माइनस कर दीजिए, तो 45 से आप 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 × 7 = 15 होता है, और यहाँ 37 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो नीचे कितना आ जाएगा, 37, इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, ये हमारा रफ वर्क है, इक्वल टू में दिया हुआ है a + b√10 दिया है, ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा आपका, 60 और 12 में प्लस होंगे कि नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा, 72 + 17√10 अपान में कितना हो जाएगा, 37, ठीक है, अभी जैसे ही आपने इसको देखिए, कट तो रहा नहीं हमारा 37, तो आप इसको सेपरेट कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, तो 72 / 37 हो जाएगा, प्लस 17 / 37√10, अब कंपेयर कैसे करना, a + b√10, तो रूट से रूट वाले कंपेयर तो हमने पहले भी किया है, इस बार भी करना है, ये रफ है, तो क्या हो जाएगा, a तो हमारे इससे मैच कर रहा है, तो a इक्वल टू आप सीधे सीधे लिख दीजिए 72 / 37, ठीक है, और b इक्वल टू में क्या हो जाएगा, b√10 इक्वल टू में 17 / 37√10, तो रूट से रूट हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो b की वैल्यू आपकी क्या निकल के आई, 17 / 37, ठीक है, देखिए समझ में आ गया आपको, तो चलिए वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक तो करना नहीं, सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट में लिखिएगा सर आपको समझ में आ गया है कि नहीं आया है, कैसा वीडियो रहा, थैंक यू।